राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी विवेक बंसल का बयान सामने आया है। बंसल ने कहा कि बीजेपी खरीद फरोख्त की नीति अपना रही है, लेकिन वो अपनी रणनीति में कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। राजस्थान में कांग्रेस विधायक और निर्दलीय सब एकजुट हैं। बंसल ने यह भी कहा कि बुधवार को भी विधायक दल की बैठक हुई है और आज भी विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस उम्मीदवार नीरज डांगी भी शामिल होंगे। बंसल ने कहा कि बुधवार को हुई विधायक दल की बैठक में 108 विधायक शामिल थे और साथ ही में कहा कि कांग्रेस विधायकों को 19 जून तक होटल शिवलास में ही रखा जाएगा। लग रहा है बीजेपी का नहीं, बीजेपी पे लग रहा है। और ये बात हमारे चीफ व्हिप महेश जोशी जी ने भी कहा है और इसका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लिया है। और अगर ये बात मतलब इस परिप्रेक्ष्य में यही कहना चाहूँगा कि कोई ये बहुत असाधारण बात नहीं है। बीजेपी की पर पार्टी रही है, आपने देखा कि पिछले दिनों प्रदेशों में इस तरीके की आए दिन घटनाएं हुई हैं कि विधायकों को तोड़ा गया है, चाहे वो गुजरात के परिप्रेक्ष्य में बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सरकार गिराई गई। करना प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त की संभावनाओं के बीच में कांग्रेस ने विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। आज फिर से विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसके बाद सभी विधायक 19 जून तक होटल शिवलास में ही रहने वाले हैं। खरीद फरोख्त की खबरों के बीच मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसीबी को लिखित में इसकी सूचना दी। ऐसी शिकायत किसी पार्टी की ओर से पहली बार सरकारी एजेंसी को दी गई। महेश जोशी ने लिखा कि एसीबी को शिकायत इसलिए दी गई है कि कांग्रेस पार्टी सच्चाई को जनता के बीच में लाना चाहती है और साथ ही उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद भाजपा बौखला गई है। नहीं, इसलिए महाराष्ट्र में भी इनको मुंह खानी पड़ी, गुजरात में चाहे अहमद पटेल जी का चुनाव हो, उस वक्त से लेके लगातार भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग इस पे है, तो शुरू से बहुत पहले से है, लेकिन तब से ये गतिविधियां और अधिक तेज हो गई, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है। पैसे की कोई इनके पास कमी नहीं है, पैसे का हिसाब नहीं देना चाहते। बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी कहूं तो वो ठीक नहीं, लेकिन ये कह सकता हूं राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है और ये जो दोनों सीटें कांग्रेस के पास आएंगी, दोनों सीटें उस हिसाब से आएंगी जितना हमारा संख्या बल है। पूरा का पूरा संख्या बल हमारे साथ एकजुट रहेगा और हम ये दोनों चुनाव जीतेंगे। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।